केजरीवाल की आतिशी पारी। और आतिशी पारी क्यों कह रहे हैं हम, देखिए इसके दो मायने हैं, इसके दो मायने हैं। दो मायने क्या है, एक तो ये कि आतिशी मुख्यमंत्री बन गई हैं और दूसरी कि राजधानी के मुख्यमंत्री पद से मुक्त हो गए हैं अरविंद केजरीवाल और अब आतिशी मतलब तेजी से बल्लेबाजी करेंगे। किसके लिए, आम आदमी पार्टी को और मजबूत करने के लिए पूरे देश में। देश की राजधानी दिल्ली के कमान आतिशी के हाथों में सौंप दी गई। तीन दिन से चल रही मंथन के बाद आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से आतिशी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। विधायक दल की बैठक में खुद अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा। इसके बाद शाम को अरविंद केजरीवाल ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। आतिशी का शपथ ग्रहण अभी बाकी है, लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए नामित होते ही आतिशी के नाम पर राजनीति शुरू हो गई। बीजेपी और खुदा आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आतिशी को आतंकी अफजल गुरु के हिमायती परिवार का बताकर निशाना साधा है। दूसरी ओर कांग्रेस कह रही है सीएम कोई भी बने, दिल्ली में लूट और डकैती जारी रहेगी। पहले रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद विस्तार से चर्चा करेंगे। दिखाइए रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पर भरोसा किया। पूरी दिल्ली में लोग अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से दुखी हैं। आतिशी मर्लिना का फैमिली लोगों ने अफजल गुरु के पक्ष में खूब हल्ला बोला, सुप्रीम कोर्ट को भी क्रिटिसाइज किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मार्लेना जी बनने जा रही है जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। सीएम का चेहरा कोई भी हो, दिल्ली के विकास कार्यों पे ये जो पूर्ण विराम लगा हुआ है, जो दिल्ली की दुर्दशा है, ये बनी रहेगी जब तक कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। नहीं सर, मेरे लिए तो निरर्थक चीज है, ये झूठ और लूट की सरकार है और जो नया आएगा वो भी उतना ही झूठ बोलेगा, उतना ही लूट मचाएगा। तो समझ लीजिए जो डकैत का चेहरा बदल जाए तो वो चोरी डकैती तो कम नहीं होती, इसलिए दिल्ली के लिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कौन बने। मैं आज ये जरूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। मुख्यमंत्री के लिए आतिशी के नाम पर मुहर तो लग गई, लेकिन खुद आतिशी कह रही हैं दिल्ली के सीएम तो एक ही हैं अरविंद केजरीवाल। ये कौन सी बात हुई भाई, मुख्यमंत्री आप बन गई हैं कह रही हैं केजरीवाल, ठीक बात नहीं। मतलब समझ रहे हैं, आतिशी सिर्फ नाम की मुख्यमंत्री रहेंगी अगर आतिशी ऐसा कह रही हैं तो, संवैधानिक पद होता है, मजाक नहीं होता है। ऐसा मैं नहीं, खुद आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने तो यहां तक कह दिया मुख्यमंत्री कोई भी बने, केजरीवाल के खड़ाऊ रखकर ही शासन चलाएंगे। अब इस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है और कह दिया है आम आदमी पार्टी एक महिला को प्रॉक्सी सीएम बना रही है। सुना दीजिए क्या कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, सुनाइए। ये बात कोई मायने नहीं रखती कि कौन आदमी उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेगा, क्योंकि मैंडेट अरविंद केजरीवाल का है। जब तक केंद्र सरकार चुनाव नहीं कराती, चुनाव आयोग चुनाव नहीं कराता, जो हम चाहते हैं जल्द से जल्द हो जाए, तब तक हम में से एक साथी उस कुर्सी पे बैठेगा। ऐसे बैठेगा जैसे भरत भगवान राम के सिंहासन पे खुद ना बैठ के उनकी खड़ाव रख के जो है शासन चलाते थे। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो तो केवल खड़ाऊ सीएम बनेगा, वो तो केवल अरविंद केजरीवाल के लिए स्टॉप गैप अरेंजमेंट बनकर सीएम बनेगा। ये कहने का काम मैंने नहीं बल्कि सौरभ भारद्वाज ने किया है। आपने एक महिला को तो मुख्यमंत्री बनाया पर साथ ही साथ उस महिला को लेम डक मुख्यमंत्री, प्रॉक्सी मुख्यमंत्री और डमी मुख्यमंत्री साबित करने का काम भी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब खड़ाऊ सरकार की बात उठी तो बीजेपी ने एक के बाद एक पलटवार शुरू कर दिया। दिल्ली बीजेपी ने एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें केजरीवाल को आतिशी का पपेट दिखाया और लिखा था पपेट से, देख लीजिए तस्वीर। लेकिन सच तो यही है
कि अब दिल्ली की कमान आतिशी को अरविंद केजरीवाल ने खुद सौंप दी है। और क्यों आतिशी पर ही अरविंद केजरीवाल ने भरोसा जताया है वो भी समझ लीजिए, सब कुछ आपको बता रहा हूं और ग्राफिक्स के जरिए। आतिशी अरविंद केजरीवाल की करीबी और सबसे भरोसेमंद महिला नेता हैं। जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तब पार्टी को मजबूती से रखा, मजबूती से स्टैंड रखा और पार्टी की हर बात जनता तक पहुंचाई। सिसोदिया जेल गए तो शिक्षा समेत 6 अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली, 6 मंत्रालय सिसोदिया के जेल जाने के बाद। इतना ही नहीं, 2013 में आम आदमी पार्टी ने जब सबसे पहले मैनिफेस्टो ड्राफ्ट जारी किया था तो उसमें आतिशी को भी जगह दी गई थी। आप समझ गए आतिशी का महत्व, आतिशी का काम करने का तरीका। जब दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जेल गए तो आतिशी को ही शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। मतलब मनीष सिसोदिया के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए अरविंद केजरीवाल ने आतिशी पर ही भरोसा जताया। आतिशी के पास मौजूदा समय में 14 मंत्रालय हैं, बाप रे बाप, कितने 14 मंत्रालय। और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस्तीफे के बाद दिल्ली की सत्ता संभालने के लिए आतिशी पर ही भरोसा जताया है। इतना ही नहीं, आपको याद होगा जब 15 अगस्त को दिल्ली में झंडा फहराने पर सियासत चल रही थी तब भी अरविंद केजरीवाल ने आतिशी पर ही भरोसा जताया। मतलब समझिए क्यों बन रही है मुख्यमंत्री, सब कुछ आप समझ गए। चलिए और एक बार बता देता हूं, आतिशी साल 2013 में आम आदमी पार्टी से जुड़ी, उनके बारे में सब कुछ जान लीजिए। साल 2015 से लेकर 2018 तक दिल्ली के तत्कालीन शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की सलाहकार के तौर पर काम कर रही थी। सब कुछ बता रहा हूँ, समझ जाइए आतिशी को क्यों मिली है कमान। आतिशी पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की भी सदस्य हैं, पार्टी के बहुत अहम रोल है। 2020 में पहली बार दिल्ली के कालकाजी इलाके से विधायक चुनी गई थी आतिशी, और पहली बार विधायक बनी आतिशी, पहले मंत्री और अब मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। और क्या वजह हो सकती है इसके लिए हमने वरिष्ठ पत्रकार उमेश चतुर्वेदी से बात की है, राजनीति के जानकार हैं, अंदर की खबर बताएंगे, विश्लेषण करेंगे। सुना दीजिए क्या कह रहे हैं उमेश चतुर्वेदी। आपने ध्यान दिया होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना सदस्यता अभियान फिर से शुरू किया है और उस सदस्यता अभियान की कमान दिल्ली में स्मृति ईरानी को दिया है। तेज तरार महिला चेहरे को आगे किया, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल का सबसे बड़ा वोट बैंक अभी महिलाएं हैं। आतिशी स्मृति ईरानी के बरक्स एक तेज तरार और महिला चेहरा हो सकती हैं, इसलिए उनको आम आदमी पार्टी ने आगे किया है। उमेश चतुर्वेदी जी कह रहे हैं दिल्ली की सियासत में स्मृति ईरानी की सक्रियता बढ़ गई है। दिल्ली में पली बढ़ी पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी राजधानी में पार्टी के सदस्यता अभियान से संबंधित कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से शामिल होती नजर आ रही है, जिसे अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। समझ रहे हैं आप, दिल्ली में महिला वोटर्स की अहम भूमिका है, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ने भी अपनी एक तेज तर्रार महिला नेता को दिल्ली की राजनीति में फिर से उतार दिया। और यह भी एक वजह हो सकती है कि आम आदमी पार्टी ने भी अपनी तेज तर्रार महिला नेता आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कर महिलाओं को साधने की एक और कोशिश की है। समझ गए आप, देश की राजधानी दिल्ली के नाम सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महिला मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड दर्ज है। शीला दीक्षित दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी और 15 साल 25 दिन तक राज करती रही, जबकि दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज थी। और अब तीसरी बार दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिल रही है और इसके साथ ही दिल्ली सबसे ज्यादा महिला मुख्यमंत्री देने वाला राज्य बन गया है। देश में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां 3 अलग अलग पार्टियों से 3 महिला मुख्यमंत्री सीएम बनी हों। दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने के लिए महिलाओं को साधना क्यों जरूरी है यह भी समझा देता हूं। समझ लीजिए, दिल्ली में कुल वोटर्स एक करोड़ सैंतालीस लाख से ज्यादा हैं, जिनमें महिला वोटर्स की संख्या करीब 70 लाख है। समझ रहे हैं, अगर किसी भी पार्टी को सरकार बनानी है तो इन 70 लाख महिलाओं को खुश करना जरूरी है। आपने समझ लिया, सब कुछ समझ लिया क्यों जरूरी है 70 लाख महिलाओं को खुश करना।
अगले 5 महीने में दिल्ली में चुनाव होने हैं, ऐसे में आतिशी आम आदमी पार्टी की तरफ से एक मजबूत महिला चेहरा के तौर पर चुनावी मैदान में होंगी। और जब पार्टी में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह जैसे सभी बड़े नेताओं पर आरोप लग चुके हैं, तो ऐसे में साफ छवि वाली आतिशी के मुख्यमंत्री रहते आप चुनाव लड़ती है तो फायदा हो सकता है। कोई आरोप नहीं आतिशी के ऊपर। आतिशी के सीएम बनने के बाद दिल्ली की जनता क्या कह रही है वो भी तो मैं हर दिन आपको सुनाता हूँ। सुनाइए जनता क्या कह रही है भाई। महिला आ रही है, महिला सब कुछ समझती है, सोचती है, अच्छी बात है हमारे लिए। अगर वो महिलाओं के से रिलेट करेंगी और उनकी प्रॉब्लम्स को अगर वो एक्चुअली में लाइक कंसिडर करके उस पर काम करेंगी तो अच्छी बात है। आतिशी बन गई है, मैं तो सिर्फ केजरीवाल जी को ही जानता हूँ जो कि बहुत ही अच्छा काम करते हैं। अब आतिशी कौन, इनको भी देखते हैं क्या काम करती हैं ये। लेकिन मेरा तो सपोर्ट था केजरीवाल जी, जेल से ही सरकार चलाते तो ज़्यादा बेटर रहता। मैं सौरभ भारद्वाज को देख रहा था बिकॉज जिस समय अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो उस समय दोनों एक्टिव थे, तो ही इज़ लाइक अकॉर्डिंग टू मी ज़्यादा कैपेबल थे। हर इंसान सोच तो रहा है मगर कोई कुछ बोल नहीं रहा, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा किसी को। मगर ये था कि केजरीवाल जी के प्रूफ भी मिलना चाहिए तो हम मानेंगे क्या उन्होंने कुछ करा है घोटाला। केजरीवाल आतिशी को बना दे, वही काम है जैसे लालू यादव बिहार में इस्तीफा दे दिया तो राबड़ी बना दिया। सबकी अपनी अपनी पसंद है और क्या मायने हैं ये समझने के लिए कहाँ चलना होगा, कहाँ चलना होगा, दिल्ली चलना होगा। और दिल्ली में कौन है, हमारे दो सहयोगी दिख रहे हैं आपको, एक आम आदमी पार्टी के मुख्यालय से जुड़े हुए हैं और दूसरे संसद मार्ग में मौजूद हैं। दिल्ली शहर में सड़कों में घूम रहे हैं, पार्टी दफ्तर जा रहे हैं और पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं अमृत जी, क्या पूछ रहे हैं बता दीजिए, क्या देखा समझा महसूस किया आज दिन भर? ज्ञानेंद्र जी, आज जो दिल्ली की हलचल रही वो कई मायनों में खास रही। एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल ने एलजी के सामने जाकर अपना इस्तीफा सौंपा है, वहीं पे आतिशी ने वहां पे अपने सरकार बनाने का दावा भी पेश किया है। अब देखना है कि एलजी जो है उनको वक्त कब देते हैं। जो सबसे बड़ी बात है कि इसको लेकर के आम आदमी पार्टी की तरफ से विधानसभा सत्र के लिए डेट भी निर्धारित कर दिया गया है, 26-27 तारीख तय की गई है कि इस दिन विधानसभा का सत्र होगा। उसके पहले अब देखना होगा कि यहाँ के एलजी वीके सक्सेना जो हैं वो सरकार बनाने के लिए आतिशी को कब आमंत्रित करते हैं। इसके लिए एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उसे पूरी करनी होगी। वीके सक्सेना इसके लिए उन्हें इजाजत जो है राष्ट्रपति से लेनी होगी, राष्ट्रपति को ये भेजेंगे, अनुशंसा करेंगे और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही वो तारीख मुकर्रर करेंगे। यानी कि दिल्ली के गलियारे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर सही सब कुछ जो है तय कार्यक्रम के हिसाब से चलता है तो 2-4 दिन के भीतर ही शपथ ग्रहण की प्रक्रिया भी एक तरह से शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए कि अब यहाँ पे बात टिक गई है कि अरविंद केजरीवाल का जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, आतिशी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन कब होता है। लेकिन इतना तो तय हो गया है ज्ञानेंद्र जी कि आतिशी के जरिए आम आदमी पार्टी ने अपनी चुनावी रणभेरी आज से ही बजा दी है, एक बिगुल आज से ही फूंक दिया गया है। क्योंकि आतिशी ने जो अपनी ठीक है, अच्छी बात बता रहे हैं आप। आदर्श आप कहां थे दिन भर और आज क्या देखा सुना आपने? भारतीय जनता पार्टी अभी तो शपथ भी नहीं लिया आतिशी ने और हमलावर है आदर्श। बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानेन्द्र जी, आज हम न सिर्फ अरविंद केजरीवाल के मुख्यालय पर थे, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद थे, बल्कि एलजी से लेकर तमाम पार्टी गतिविधियों को कवर कर रहे थे। आपने इससे पहले एक बात बताई कि आखिर क्यों ये महत्वपूर्ण है आतिशी मरलिनी को बनाना, क्योंकि आधी आबादी उनके साथ जुड़े ऐसा आम आदमी पार्टी चाहती है। लेकिन इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि पिछले 1 से 1.5 सालों से लगातार आम आदमी पार्टी की शराब नीति को लेकर, क्योंकि शराब सस्ती होने की वजह से महिलाएं जो हैं बेहद नाराज़ थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके घर पर आमतौर पर निश्चित तौर पर जो लोग थे वो कम पैसे में शराब मिलने की वजह से शराब पीकर आते थे। ऐसे में ये नाराज़गी बहुत ज़्यादा आम आदमी पार्टी झेल रही थी, तो कहीं ना कहीं आतिशी मरलिनी को सीएम बनाने का फैसला इस लिए भी देखा जा रहा है कि कहीं आने वाले दिनों में जो महिलाओं की नाराजगी है उसको खत्म किया जाए। ज्ञानेंद्र जी चलिए आप दोनों का शुक्रिया, नजर बनाए रखिए अमृत तिवारी, आदर्श सिंह और जो भी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि अमृत अभी जो बोल रहे थे कि सब कुछ ठीक रहा, सब कुछ ठीक रहा तो आमंत्रित करेंगे राज्यपाल आतिशी को मुख्यमंत्री का दावा पेश करने के लिए। सब कुछ ठीक रहा में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वैसे तो शुभकामनाएं आतिशी को, आम आदमी पार्टी को। चलिए आप दोनों को भी बहुत शुभकामनाएं और बहुत शुक्रिया।